मैं 10 मिनट में आता हूँ। अबे सुन सुन मेरी बात सुन, योर लव यू गो, आई नो आई डाई। गौतम क्या हो गया है तुम्हें? डैडी को लगता है तुम पागल हो, तुम्हें मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। वो ना, तुम हॉस्पिटल में ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम सच में पागल हो क्या? ए, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक आंखें मिल गई है ना, तो इमेजिनेशन की वजह से ये सब हो रहा है। अब सब परफेक्ट है। अब तो तुम ठीक हो ना? मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं। कुछ तो रखा ही होगा ना? नहीं। कुछ तो दो। हक करने के लिए 30 सेकंड्स, किस करने के लिए 2 मिनट, 15 मिनट से अंदर है, उससे आगे तो नहीं निकल गया। ये कैसी आवाज थी? कोई आवाज नहीं थी। सच में? ओपन गंगम स्टार, गंगम स्टार। हेलो, अबे 20 मिनट से अंदर है, क्या कर रहा है बे? जल्दी नीचे आ वरना कार्टून जाग जाएगा। तू भी ऊपर आ जा। पापा आपकी गन। तुझे मना किया था फिर भी मेरी बेटी से मिलने के लिए क्यों आया तू? उसे देखे बिना मैं मर जाता, इसलिए आया सर, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मेरी इतनी हिम्मत। अरे अभी कुछ मत कीजिए, मेरी सारी उम्मीद इसी लड़के पर तो है। पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, तब तक सबर रखिए, उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बकवास बंद करो। ए, किससे बात कर रहा तू? और किससे सर, आपकी बेटी से। वो तो कुछ नहीं बोली। हाँ तो उसके बोलने से पहले ही मैं बता रहा हूँ ना सर, इस पागल से तूने कैसे प्यार किया। हाँ सर मैं पागल हूँ, लेकिन आप जो सोचते हैं वैसा नहीं, आपकी बेटी के लिए पागल हूँ मैं, ये फील करता हूँ इसलिए मैं पागल हूँ सर, और मेरा प्यार आप समझ नहीं पा रहे इसलिए आप पागल हैं। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। वो तेरी बेटी से इतना प्यार करता है और तू उसे पागल कह रहा है? तुझे पता है जवानी में तेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए नमक सत्याग्रह छोड़कर वापस आ गए थे। बासी चावल के लिए सत्याग्रह छोड़ दिया और उन्होंने मेरे लिए। चुप करो, ये पागल नहीं है ऐसा तुम बोल रही हो ना? ए, एक हफ्ते तक तू यहाँ पे रहेगा, सब लोग तुझे ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली मैं। अगर तूने ऐसी ऐसी कोई हरकत की, अकेले में बड़बड़ किया ना, तो मैं तुझे पागल खाने भिजवा दूंगा और तुझे इसे हमेशा के लिए भूलना होगा। ए, शर्त मंजूर है क्या? आहा, क्या कंडीशन रखी है तेरे ससुर ने, अब तेरा रिमोट मेरे हाथों में, मैं जो भी कहूँगा वो तुझे करना होगा, नहीं तो इन सब की नजरों में मैं तुझे पागल बना दूंगा। ए पागल, वहाँ क्या देख रहा तू? शर्त मंजूर है। यही तो मैं चाहता था। अबे पागलपन की हद हो गई, सुबह मर्डर कर दिया, अब इसे चैलेंज कर दिया, तेरे चक्कर में मेरा क्या होगा भगवान ही जाने। ए, ये पागलपन नहीं है, ये प्लानिंग है, अभी मेरा सेफ रहना, मेरा प्यार सक्सेस होना, मैं यही चाहता हूँ। उस कुलकर्णी को कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये फिर से कुलकर्णी का नाम ले रहा है। ओ गॉड, व्हाट इज दिस टॉर्चर? आप यही है क्या? हाय अंकल। ए, ये सब क्या है? ये महेश्वर देवी, ये पंचम्मा, और ये है चामुंडी देवी। चामुंडी देवी, ए मेंटल, दरगाह पे भी जाना चाहिए था ना, वो तो इधर है अंकल। देखा भगवान में कितना विश्वास है इसका। इसको विश्वास नहीं, डर कहते हैं दादी। इसको घर समझा या तांत्रिक अड्डा? निकाले। निकाल दो बेटा, तांत्रिक लग रहे हो तुम। सब कह रहे हैं ना, निकाल दो। निकाल दो तो वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शनि। तू क्या कम है, शनि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। निकाल। मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था, आ गया ना लाइन पे। ये रूम देखा इसको? ए, तुम नहीं बेटा, तुम जाके दिखाओ। ये तुम्हारा रूम। आहा, आत्माओं की पसंदीदा जगह, रामसे का सेट लग रहा है। तुम जरा चुप रहो।
इसे कोई रूम कहता है? ये तो डंपिंग यार्ड है। इतना अच्छा तो है। यहाँ पर कुछ तो स्मेल आ रही है। मेरा बेड सुसु किया था। इस बेड पर सोने से तुम्हें अपने बचपन की याद आएगी। अरे यार, कोई इंसान यहाँ रह सकता है क्या? तुम्हें इमेजिनेशन करने की बहुत आदत है ना? तो एक काम करो, इस सोफा को बेड समझो, इस खिड़की को एसी समझो और इस टैप वाटर को बिस्लेरी वाटर समझो। तुम्हारे साथ कोई आत्मा है ऐसा सोचने के बदले मेरी बहन तुम्हारे साथ है ऐसा सोचो, तब सब अच्छा लगेगा। सर कॉफी। ए मुझे दे। हा? तुमने पी लिया ऐसा सोचो। ए हा? मेरे साथ आ। ठीक है। छी, ये भी कोई जिंदगी है? उसे मार कर तुम हीरो बन सकते थे और इस साइज जीरो के चक्कर में मजाक बनकर रह गए हो। तुम कुछ भी कहो, मैं एक और मर्डर नहीं करूंगा और ना ही तुम मुझसे करवा पाओगे। जो करना है वो कर लो। तुम जिंदा हो तब तुम्हारे अंदर इतनी जिद है, तो मैं तो मरा हुआ हूँ। सोचो मुझ में कितनी होगी। देखता हूँ तुम कैसे उसे नहीं मारते हो। मैं भी देखता हूँ। बेटा पूरी लो ना। नहीं चाहिए। बड़ा दूं क्या? अरे मैं नहीं खा रहा हूँ ना। चक्कर में हूँ मैं बड़ा, भूत से पाला पड़ा। चक्कर में हूँ मैं बड़ा, भूत से पाला पड़ा। इंसानों से टकरा गया ये भूतों का राजा। मैं तो उसके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं। मैं तो उसके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं। मैं जाता हूँ जहाँ जहाँ वो आता है वहीं। खिसका है, कैसे सुनाऊं किसे बताऊं दास्तां मेरी।